अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ सुबह सुबह पोहा, और वीडियो बना रहा था मेरा बेटा आमीन। तो मैं यहाँ पे ऑयल डाली और उसके बाद सेंगा डाल के फ्राई थोड़ा तेल में तल ली, और उसके बाद मैं कड़ी पत्ता और राई डाली, और उसके बाद कांदा, हरी मिर्च, कोतमीर, प्याज डाल के उसमें फ्राई कर ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए पोहा, अभी उसको भी भिगाना है पानी में अच्छे से। और यहाँ पे देखिए हमारे ससुर अब्बा की रेसिपी है ये। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी, तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। और अम्मी की रेसिपी अलग है हमारी, इंशाल्लाह वो भी पोहे की रेसिपी बताऊँगी मैं आपको। हमारे घर में ये हमारे घर में हस्बैंड सब ऐसे ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही थी नमक स्वाद अनुसार। तो पोहा बहुत पसंद है बच्चों को इस तरह का, अगर ऑयल में शेंगा तले हुए उनको बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए ऐसे ही तल के मसाला ऐसे ही फ्राई करके सब कुछ ऐसे ही बनाती हूँ मैं पोहा। माशाल्लाह से देखिए यहाँ पे पोहा डाली हूँ अच्छे से, उसको पानी डाल के भिगो के नरम करी थी, और हमारे पोहा रेडी है और चाय भी बन चुकी है। आई होप आप सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। बिल्किस तनवीर की जहाँ में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए हैं खास करके सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारे पुराने हैं फुल वॉच कीजिए। तो आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक, आज जुम्मा है तो अभी बज रहे हैं 9। तो चलिए फ्रेंड्स 9 बज रहे हैं, अभी स्कूल को ले जाना है अमीन को। यहाँ पे बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, सब जाने बोलो जुम्मा मुबारक ना आप सबको, आप सबको। यहाँ पे देखिए बाबा है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये है पोहा बनाए है, अभी दे रहे हैं अमीन स्कूल जाएगा, अभी मैं लेके जाके छोड़ के आपके लिए आऊँगा। तो चलिए आज का दिन कैसा चलता है, कैसा चल गुजरता है देखेंगे। तो आज जुम्मा है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, इस ब्लॉग में आप देखिए फ्रेंड्स। सलाम करो जी, अस्सलाम वालेकुम, आप सबको जुम्मा मुबारक। तो आज मैं बनाई हूँ पोहा, तो बच्चे खा के भी वही जाएंगे, बस आमिन जा रहा है, ये तो दोनों मंडे से जाएंगे। ले बेटा इधर आ गया, यहाँ पे देखिए माइन बैठी है। तो कैसा खिला खिला बना के देखिए हमारा पोहा, शायद आमिन इसका वीडियो लिया है मैं जब बना रही थी तब। यहाँ पे देखिए लड्डू, ये है डुड्डू, क्योंकि तब अब्बा को हमारी घर की रेसिपी पसंद नहीं लगती थी, तो उनके उनके जैसा ही मैं बनाना सीखी वहाँ पे जाके। यहाँ पे देखिए ये खींचती रहता है, वो प्लेट पकड़ के खींचती रहता है बच्चा हमारा बाबू। ये है मेरी चाय आ गई, ये है नमकीन, ये है तुम्हारी, ये है मेरी, और इन तीनों को मैं चाय नहीं देती मगर खुद भी पीती हूँ कहते हो तो टेस्ट कर। तो हमारे साथ तो आज इंशाल्लाह मैं कुछ ले आऊँगा, अभी थोड़ा चावल भी और थोड़ा गोश्त आज बनाएंगे, अभी 12 बजे उसको रात के थोड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स ये पोहा मंग रहा है। तो फ्रेंड्स अभी तो मस्जिद में बयान कर रहे हैं, तो आज जुम्मा है। तो यहाँ पे देखिए मैं खोपरा काढ़ी हूँ, मटन का सालन बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए गोश्त गलने के लिए अभी रखूँगी मैं, तो ऐसे ही गर्म हो रहा था क्योंकि मेरा कुकर का ढक्कन ख़राब हो गया, तो इसलिए अम्मी के घर भेजी थी माहिन को, तो अभी लेकर आई है। देखिए यहाँ पे अम्मी का है ये, तो इससे करंट लगता है वो, तो इसलिए यहाँ पे मैं खोपरा काढ़ी हूँ, अदरक लहसुन टमाटर कोतमीर हरी मिर्ची जो इतने बचे थे वही मैं डाल रही हूँ सालन में, तो ये सब पीस लूँगी। और खड़ा मसाला मेरे पास ख़त्म हो चुका है, तो मैं इस पर पाउडर ही डालूँगी, खड़ा मसाला नहीं डाल रही मैं, तो अभी मैं इसे पीस लेती हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा गोश्त गल रहा है,
और ये है हमारा मसाला, इसमें मैं धनिया पाउडर और गरम मसाला भी डाली हूँ पाउडर, क्योंकि खड़ा मसाला ख़त्म हुआ था तो इसलिए। तो गोश्त गलने के बाद ये सारा मसाला उसमें ऐड कर दूंगी मैं, तो बन जाएगा हमारा सालन। तो फ्रेंड्स, हमारा मटन गल चुका है, तो देखिए यहाँ पे तो मटन अच्छे से गल चुका है। तो अभी मैं ये मसाला उसमें डाल दूंगी सारा। तो फाइनली हमारा सालन रेडी है, बस अब इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी मैं। तो आप चाहे तो पकने के बाद इसे प्याज से और तेज़ पत्ते से बघार लगा सकते हैं, मगर मैं नहीं लगाती, तो हम ऐसे ही पका के खाते हैं। तो अभी पकने के लिए ढक के रख दूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे सब क्लीन हो चुका है, बस अभी यहाँ पे देखिए बहुत फंसा रहा है। तो यहाँ पे पानी भी आया था, तो अभी ये नमाज से आके पानी भरे है, तो अभी ये भी जाएंगे। तो ऑटो के कपड़े पहने हैं, जुब्बा पहन के गए थे, तो अभी ये ऑटो के कपड़े पहने हैं, तो इनको भी खाना देना है, तो खा के वो भी जाएंगे। अमीन को लाएंगे, टाइम भी हो चुका है तो इसलिए। और यहाँ पे देखिए बेबी सो गया है माशाल्लाह, और यहाँ पे अनम भी सो गई है, और माहिन ऐसे ही लेटी है। तो चलिए अभी सब साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो अभी मैं भी नमाज नहीं पढ़ी, नमाज पढ़ लूँगी। नमाज पढ़ने के बाद लंच करके यहाँ पे सब धोए हैं पहली, तो सब पोछा लगा लूँगी, नमाज पढ़ के इनको खाना दूँगी और ये जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जुम्मा हो गया हमारी, तो जुम्मा के बाद हम खा रहे हैं मटन, और खाना वाइट राइस। यहाँ पे प्लेट में माशाल्लाह प्याज और नींबू, फ्रेंड्स सालन यहाँ पे परोस रहे हो। यहाँ पे देखिए गोलू मम्मा खेल रहा है प्लेट लेके,